हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने सवाल किया है कि प्रॉब्लम उनको ऐसी कुछ आ रही है कि मंथ अगर कैलकुलेट करना है तो मंथ नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, जैसे दो डेट्स के बीच में कितने मंथ आएंगे, कितने डेज आएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम उन्हें आ रही है। यहाँ पर देखिए मैंने निकाल करके रखा हुआ है, ये एक डेट है और करेंट डेट से मैंने निकाला है, ये सेकेंड डेट से नहीं निकाला। करेंट डेट से लेकर और इस डेट के बीच में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं और कितने साल होते हैं, ये सब कुछ मैंने निकाला है। यहाँ पर देखिए मैं एक और एंट्री करता हूँ, ये यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ और इस बार मैं ये ईयर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ से 2016 कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन कितने होंगे, करेंट डेट यानी आज करेंट डेट क्या है ये देख सकते हैं। करेंट डेट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि करेंट डेट आज का है क्या, ये देखिए आज 12 सितंबर 2020 में हम हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। और जो यहाँ पर डेट हमने डाली है वो है 6/5 यानी 6 मई 2016। तो इस और इस जो करेंट डेट चल रही है दोनों के बीच में कितने दिन होंगे, 1590 दिन होंगे। महीने कितने होंगे, 52 महीने होंगे। और साल कितने होंगे, 4 साल होंगे। ये कैलकुलेट करके हमें दे देगा ये फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आइए दिखाता हूं आपको। यहां पर क्वेरी में आ जाते हैं हम, ठीक है। और इस बार हम सेकेंड डेट लेंगे, फर्स्ट डेट नहीं लेंगे, सेकेंड डेट लेंगे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सेकेंड डेट भी है और फर्स्ट डेट भी है, तो अभी हम सेकेंड डेट लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कि कैसे करेंगे। तो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर वो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर यहाँ पे हम डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देता हूं डेज, लिख दिया। आने के बाद राइट क्लिक किया हमने और राइट क्लिक करने के बाद बोल्ड पे आ गए, यहाँ पर इज इक्वल टू डेट डिफ, यानी डेट में कितना डिफरेंस है उसके लिए डेट डिफ फॉर्मूला लगाया जाता है। तो ये वाला डेट डिफ फॉर्मूला हमने ले लिया। अब यहां पर क्या करना है, कैसे करना है वो दिखा देता हूं आपको। जो भी क्राइटेरिया मैं लगाऊंगा वही क्राइटेरिया आप भी यूज करें, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा विड्थ बढ़ाता हूं। ये डेट डिफ फंक्शन यूज किया है, डे के लिए मैंने डी यूज किया है। अच्छा, यहां फर्स्ट डेट है, मैं इसको लास्ट डेट कर देता हूं, सेकेंड डेट कर देता हूं, लास्ट डेट नहीं, सेकेंड डेट। तो ये सेकेंड डेट कर दिया हमने, अब सेकेंड डेट के हिसाब से ये कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। तो सेकेंड डेट यहां से क्लोज भी हो जाएगा, ये क्लोज कर दिया हमने सेकेंड डेट। और थोड़ा विथ और बढ़ाते हैं, ये जो डेट है इसको हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं, हो गया। अब यहां से इस पर क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक किया तो यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर दिन कितने हुए वो कैलकुलेट होकर आ रहा है, यानी सेकेंड डे और करंट डेट, सेकेंड डेट और करंट डेट के बीच में कितने दिन हुए, 11/9/2020 की बात हो रही है। अभी क्या चल रहा है, अभी 12/9 चल रहा है, तो 11/9 और 12/9 के बीच में सिर्फ एक दिनों का डिफरेंस है, तो यहां एक आया हुआ है। इसी तरह से यहां 12 है तो यहां पर 0 आ गया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 4 तारीख की बात करें तो 4 और 12 और 4 के बीच में डिफरेंस 8 का है, तो यहाँ पे 8 आ गया है। तो यहाँ पे दिनों की संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पर सेकंड डेट मैंने दिया ही नहीं है तो यहाँ पे नहीं आया है, तो यहाँ पे दे देते हैं सेकंड डेट। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये दे दिया, अब देखिए सीधा जो है यहाँ पे दिनों की संख्या आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिनों की संख्या आ रही है। चलिए अगर महीनों की संख्या पता करनी हो तो क्या करेंगे, तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। यहां पर लिखता हूं मैं एम ओ एन, सिर्फ एम ओ एन लिख दिया हमने, एम ओ एन कोलन लगा दिया और यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर फर्स्ट डेट लिखा हुआ है तो फर्स्ट डेट के हिसाब से कैलकुलेट होकर दे रहा है। अब यहां पर देखें, यहां पे मैं कर देता हूं सेकेंड डेट, एस ई सी ओ एन डी, सेकेंड डेट कर दिया। और अब यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए, तो यहां पे देख सकते हैं यहां 2 महीने आ रहे हैं, ठीक है।
यहां पर देख लीजिए आप, सेकंड डेट को मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं 2 कर देता हूं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 7 महीने, यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पर जो है ना 7 अपने आप आ जाएगा, तो ये देखिए 7 आ गया, 7 महीने का डिफरेंस हो रहा है तो 7 आ गया। इस तरीके से करके हम ये मंथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस क्वेरी को मैं क्वेरी 1 के ही नाम से सेव कर लेता हूं।